माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। वार्षिक राशिफल की अपनी सीरीज पर आज चर्चा करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2022। प्रेम संबंध, शादी, बिजनेस, नौकरी, व्यापार, धन, घर गाड़ी बंगला, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रमोशन, तरक्की, सारे पहलुओं को एक एक करके छुएंगे और सब किसी का एक अनूठा उपाय हर सेगमेंट का जरूर देंगे। तो जैसे व्यापार के बाद व्यापार का उपाय, नौकरी के बाद नौकरी का उपाय, धन संबंधी समस्याओं का धन का उपाय, सबका एक एक उपाय। तो इसलिए नजरें बनाए रखिएगा, अपने भाई बहनों मित्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के ग्रुपों के माध्यम से, अपने फैमिली ग्रुप में इसे जरूर शेयर करिएगा। इतना ही निवेदन करता हूँ और हमें सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर मेरा उत्साह बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, नीचे मेरा लिंक दिया जा रहा है फेसबुक ट्विटर का, मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात वृषभ राशि की, बहुत इंपॉर्टेंट राशि रहने वाली है ये साल 2022। अब आप पूछेंगे कि वजह, तो वजह समझिए, कन्या लग्न हस्ता नक्षत्र का उदय हो रहा है इस साल, जब ये साल शुरू हो रहा है 2022। कन्या बुध इसके मालिक पृथ्वी तत्व की राशि, वृषभ शुक्र इसके मालिक पृथ्वी तत्व की राशि, तीसरी राशि जो पृथ्वी तत्व की बचेगी वो मकर। तो 2, 6, 10 का कनेक्शन, एक खूबसूरत कनेक्शन शुरू होने जा रहा है और इस लग्न में आप भाग्य भाव को, जिस जो साल में 1 जनवरी को उदय हो रही है, भाग्य भाव को आप वृषभ राशि नियंत्रित करते हैं और इसके मालिक वेल प्लेस्ड हैं, बुध खुद वेल प्लेस्ड हैं साल की शुरुआत में, तो निश्चित अच्छा। दूसरी बड़ी वजह, 2022 3 बार 2 आपकी राशि का नंबर 2 वृषभ, इसलिए इंपॉर्टेंट। चंद्र शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन और आपकी राशि में भी वही कॉम्बिनेशन दिख रहा है, क्योंकि आपकी राशि हो या आपकी लग्न हो, लग्न में वृषभ राशि आती है, 5वें भाव अगले त्रिकोण में कन्या राशि आती है, भाग्य भाव 9वें भाव त्रिकोण में मकर राशि आती है। तो निश्चित तौर पर चंद्र शुक्र बुध के आशीर्वाद से यह साल बेहतर रहेगा। कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत संघर्ष हो सकता है, अमूमन 2-3 महीने ये संघर्ष रहेगा पूरे साल में, लेकिन 9 महीने करीब अच्छे रहेंगे, पूरा साल अच्छा दिख रहा है, घर परिवार के लिए बहुत अच्छा साल है, कार्य के प्रति फोकस बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, उसका वो रंग भी लाएगी, सिनेमा जगत, कला, फैशन, मीडिया इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा सफलताएं दिख रही हैं, मेटल से जुड़े चीजों में लाभ मिलता दिख रहा है, चांदी में लाभ होगा, लोहा आयरन में काफी लाभ होगा, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही खासा साल रहने वाला है, कोई बड़े से बड़ी डील या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो लाभकारी रहेगा, खेल जगत वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात सेगमेंट वाइज करते हैं, सबसे पहले बात नौकरी, तो नौकरी में वृषभ राशि के लिए नए अवसर लेके आएगा ये साल, आगे बढ़ेंगे, तरक्की के पद पे बढ़ेंगे, पदोन्नति के संकेत, उसी के साथ साथ नौकरी में आगे बढ़ने के संकेत दिखते हैं। महीने होंगे मार्च से लेके मई और उधर अगस्त से लेके अक्टूबर, जब कोई बड़ा काम पूर्ण होगा, विदेश जाने के कारण मन प्रसन्न रहेगा, स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बन रहा है जो कि लाभकारी दिख रहा है, डिफेंस, आयरन, मैन पावर, गार्ड, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, इन क्षेत्र वालों को खासा लाभ, प्रबल लाभ के संकेत दिखते हैं साल 2022 में। ऑफिस में जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपके अच्छे से सेवा करेंगे, आपके ऑर्डर मानेंगे और ओवरऑल स्थिति आपकी मजबूत होती हुई दफ्तर में दिख रही है इस साल। अब बात करते हैं प्रेम संबंध, प्रेम संबंध का स्वामी बुध आपकी राशि से भाग्य स्थान में शत्रु घर में विराजमान होगा, लेकिन उसके बावजूद ये काफी अच्छा रहेगा, नए प्रेम प्रसंग में पड़ सकते हैं, पुराना प्रेम
प्रेम प्रसंग शादी में परिवर्तित हो सकता है, छोटा मोटा उतार चढ़ाव हो सकता है प्रेम प्रसंग में जुलाई अगस्त के बीच, उसके बाद समस्या नहीं रहेगी। लेकिन कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करिएगा, झूठे वादे नहीं करिएगा, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो छोटी मोटी समस्याएं दिखती हैं। साल के शुरुआती 3 महीनों में लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच बढ़ सकते हैं, माता पिता के बीच थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात है। परिवार में प्रेम सद्भाव बना रहे इसके लिए वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, हर फैसले को स्लोली लीजिएगा, थोड़ा समय दे के लीजिएगा, जिससे कि चीजें बेहतर रहे। अब बात करें खास तौर से आपके व्यवसाय की, तो निश्चित तौर पर व्यवसाय के लिए शुभ है, यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, लाभप्रद दिख रहा है, कोई लंबी बड़ी डील पूर्ण होती दिख रही है, प्रयास करते रहना चाहिए। व्यवसायों से रिलेटेड यात्राओं के भी खूब संकेत दिख रहे हैं। इस तरह से देखा जाए खास तौर से बिजली से संबंधित सर्जरी, मेडिकल, डॉक्टर्स, खेल, दंत चिकित्सा, वाइट चीजों का लोग, प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट वाले लोगों का काम बहुत बेहतर रहेगा इस साल निश्चित रूप से। अब बात आपके धन की, तो धन के लिहाज से बहुत अच्छा साल रहेगा। आर्थिक परेशानियों का जो सामना आप कर रहे थे मार्च के बाद खत्म हो जाएंगी, धन का बेहतर शुरुआत दिख रही है। लेकिन स्टिल आपको रिस्क नहीं लेना है, कोई भारी इन्वेस्टमेंट जिसमें बहुत लोन कर्जा लेना पड़ जाए उसे टाल देना है। शेयर मार्केट में बेहतरीन लाभ होगा, लेकिन नजरें बनाए रखिएगा और एक लिमिटेड और एक बिना रिस्क टेकिंग गेम आपको खेलना है शेयर मार्केट में। शेयर ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, स्टेशनरी, इन सब में काफी अच्छा आपको मौका मिलेगा धन कमाने का। सितंबर से दिसंबर तो कोई बड़ा डिसीजन नहीं लीजिएगा, एवरेज मंथ रहेंगे, बाकी महीने आपके लिए बहुत अच्छे जाते दिख रहे हैं। अब बात बच्चों की शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए से मार्च से लेकर उतार चढ़ाव दिख रहा है जून तक, उसके बाद अगस्त से आपका थ्रू आउट पूरा साल अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए। घर गाड़ी बंगले की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर उसके लिए अच्छा साल है, वाहन खरीद सकते हैं। सूर्य आपके भाव से 8वें भाव में गोचर करेंगे, तो जो लोग सरकारी क्षेत्र में, सरकारी वाहन मिल सकता है। उसी के साथ साथ सूर्य शुक्र एक साथ रहेगा तो 4-व्हीलर 2-व्हीलर का भी सुख इस साल प्राप्त होता दिख रहा है। संतान पक्ष की बात करें तो निश्चित तौर से थोड़ा सा डिले हो सकता है उसमें कंसीव करने में, थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है, डॉक्टर को जरूर दिखा लें। अप्रैल महीने के बाद ये चिंता भी खत्म हो जाएगी और मई ऑनवर्ड्स एक गुड न्यूज आएगी। मई ऑनवर्ड्स जो संतान भी होगी बहुत प्रभावशाली होगी, इसलिए धैर्य बनाए रखिएगा। खास तौर से संतान गोपाल मंत्र का पाठ कर सकते हैं आप, निश्चित तौर से उससे स्थितियां और बेहतर। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के मामलों की, तो स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में दिक्कत थोड़ी बहुत रह सकती है, गले की, खांसी की, सर्दी जुकाम बुखार की, कोरोना की, कफ की, गुप्त रोगों की, लोअर बॉडी पार्ट से संबंधित चीजों की। इसलिए आपको 10 मार्च तक बहुत सावधान रहना है, उसके बाद चीजें सामान्य होने लगेगी, खान पान का ध्यान देना है। अब कौन से महीने रहेंगे पूरे साल अच्छे, अप्रैल से जून और अगस्त से दिसंबर नवंबर तक महीने बहुत अच्छे रहेंगे। महा उपाय आपके लिए खास तौर से एक चुटकी चंदन पानी में डाल दीजिएगा नहाते हुए, नहाते समय शुक्रवार के दिन, खास लाभ के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। शुक्ल पक्ष में खीर बना के किसी भी सोमवार शुक्रवार खा लीजिएगा, लाभ मिलेगा। इस पूरे वार्षिक राशिफल को कितने मिलते हैं, 10 में से 9। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।